हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन। आज की वीडियो में हम कपड़े धोने का कुछ हटके तरीका देखने वाले हैं। हालांकि ये तरीका मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो मॉडल अलग था, ये मॉडल अलग है। इसलिए हर कस्टमर के लिए और हर मॉडल के लिए एक वीडियो बनाना जरूरी होता है, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले हमें पावर ऑन करना है ये वाले बटन से। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारे लाइट ऑन हो चुके, हमारे मतलब मशीन के लाइट ऑन हो चुके हैं, और साइकिल के बटन से हम प्रोग्राम को सेट करेंगे। जैसे अभी हमने नॉर्मल पर रखा हुआ है, नॉर्मल मतलब मिक्स कपड़े। उसके बाद में हम यहाँ से वाटर लेवल मीडियम वाला सेट करेंगे। मीडियम के लिए 6 नंबर होता है, ये 6 नंबर मतलब मीडियम होता है। यहाँ पर नंबर नहीं दिए, 3 लाइट लगाए तो 6 नंबर आ जाते हैं। और टोटल टाइम आ गया इसका 50 मिनट, जो वॉश रिंस स्पिन तीनों का मिला के होता है। आप चाहे तो यहाँ से वॉश और रिंस भी बढ़ा सकते हो। हमने अभी रिंस बढ़ाया, मतलब 2 लाइट लगाए ताकि ये 2 बार खंगालना कर सके। आप चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक कर सकते हो। फिलहाल हमने 2 बार रखा हुआ है। रिंस को आपको 2 बार करना है और वाटर लेवल को मीडियम करना है। वाटर लेवल के 3 लाइट और रिंस के 2 लाइट, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा हमें वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब मशीन ऑन हो चुकी है। डोर ओपन करके देखा तो पानी ऑन हो चुका है। थोड़ी देर तक हम पानी भरने देंगे, उसके बाद में स्टार्ट वाले बटन को ही हम पॉज कर देंगे। यहाँ से शायद ये पॉज नहीं हुआ है, फिर से करते हैं। यहाँ से पॉज कर देंगे, मतलब लाइट रुक जाएगा सारे। देखिए अभी थोड़ा पानी भर चुका है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाउडर ऐड करेंगे। कपड़े अभी हमने डाले नहीं है, उसके पहले हम पाउडर ऐड करेंगे। जितना कपड़े हैं आपके पास धोने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही पाउडर डालिए। पाउडर डालने के बाद में दरवाज़ा लगा देंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी भरते रहेगा और पानी भरते समय वहाँ पर झाग भी ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो पाउडर जो डाला हुआ था उसका झाग हो रहा है। ऐसा नॉर्मल झाग कपड़े डालने के बाद में नहीं होता है। अब हमें आधा टब भरने देना है। आधा टब भरने के बाद हम फिर से पॉज करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप आधा टब तक भर चुका है। उसके बाद में हम कपड़े ऐड करेंगे। कपड़े ऐड करते समय देख लीजिए कपड़ों में कोई मेटल की चीज़ ना हो। कपड़े डालने के बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि जो बचा हुआ पानी वो कपड़ों के ऊपर गिरे और कपड़े वो झाग वाले पानी में अंदर दब जाए। मशीन में पानी अभी भी भरना शुरू है, कपड़े के ऊपर पानी आ रहा है। जैसे पानी का लेवल भर जाता है, कपड़े घूमना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, अभी आप देख सकते हो झाग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कपड़े भी पूरे पानी के अंदर भर चुके हैं। ये तरीका होता है वो, जो भी आप वॉशिंग पाउडर डालते हो उसका रिजल्ट 100% आपको यूज़ हो। इस तरह से पूरा पानी भर जाएगा और पूरे पानी में आपको झाग ही झाग दिखेगा। तो पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले पानी भरने दीजिए, फिर पाउडर डालिए, फिर थोड़ी देर बाद कपड़े डालिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। आप इसी टॉपिक पर और वीडियो भी देख सकते हो जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है तो दूसरे वाले मॉडल का भी मैंने सेम वीडियो बनाए हुआ है, वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो आप नॉर्मल कपड़े डालते हो फिर स्टार्ट करते हो, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है ये वाले प्रोसेस में, जैसे कि वीडियो में अभी बताया हमने। इससे अच्छा और भी कोई तरीका होगा तो वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल पर आप हमेशा बने रहिए। अभी 46 मिनट्स पर आ चुका है मशीन। ये स्टार्ट हुआ था 50 मिनट पे। कपड़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम सेट होता है। टाइम और वाटर लेवल एक्चुअल हमें सेट नहीं करना पड़ता है, बट वाटर लेवल हमने मीडियम इसलिए सेट किया हुआ था क्योंकि हमें कपड़े पता था कितना है। 8-10 कपड़े हैं तो आप 3 लाइट लगाइए या फिर 4 लगा सकते हो। अगर 12-14 कपड़े हैं तो आप 4 या 5 लाइट लगा सकते हो वाटर लेवल की।
मेरी मानो तो आप 3 लाइट ही रखिए, 3 लाइट मतलब आधे से ज़्यादा ड्रम भरता है, उसमें आप 10-12 कपड़े आराम से धो सकते हो। अगर आपके पास ये वाला मॉडल है, ये अलग मॉडल है थोड़ा, ये अगर आपके पास ये वाला मॉडल है तो पावर ऑन करके आपको 3 नंबर सेट करना है, ये वाला वाटर लेवल का 3 नंबर सेट करना है। 3 नंबर सेट करने के बाद आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद फिर से पॉज कर दीजिए इमीजिएटली, और उसके बाद में फिर लास्ट वाला जो फंक्शन का बटन है इसको चेंज करोगे आप तो ये रिंस का साइकिल चेंज होगा, मतलब 2 बार खंगालना या 3 बार खंगालना ये आप सेट कर सकते हो, स्टार्ट और पॉज करने के बाद में ये आप सेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।